सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल क्रोम में किसी वेबसाइट को पिन कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पिन करने का बेनिफिट क्या है। देखिए, पिन करने से क्या होगा, जब भी हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो हमारी दो तीन फेवरेट वेबसाइट है जो हम रोज यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, या कुछ ऐसी वेबसाइट जो आप रेगुलर यूज करते हैं उनको आप पिन कर सकते हैं। तो आपको उन्हें बार बार मतलब ओपन करने की या एड्रेस बार में जाकर के टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप गूगल का होम पेज ओपन करेंगे, वो आपकी जो पिन वेबसाइट है यानी जिन वेबसाइट्स को आपने पिन किया है वो तुरंत अपने आप ही ओपन हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ट्विटर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ट्विटर इंटर कर दिया। ठीक है, ट्विटर ओपन हो गया। एक और टैब में अमेजोन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अमेजोन ओपन हो गया। अब इन दोनों को हम पिन कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले ट्विटर पर चलते हैं। तो पिन करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये देखिए पिन का ऑप्शन आ रहा है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पिन हो गई। जब पिन हो जाएगी तो देखिए साइट में थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगी। हाँ, ये इस वजह से इसका खाली ये आइकन जो चिड़िया वाला आइकन ट्विटर का है वो बन के आ रहा है। उसी तरीके से अमेजोन को भी पिन कर देते हैं। राइट क्लिक करिए और पिन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये अमेजोन का सिर्फ ए दिख रहा है। तो ये दोनों वेबसाइट अब पिन हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब दोबारा से ओपन करेंगे जब हम गूगल क्रोम, ये देखिए नीचे गूगल क्रोम का आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम का जैसे ही पेज ओपन हो रहा है तो होम पेज के साथ साथ ये देखिए बगल में दो छोटे आइकन भी आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे, एक ट्विटर का है दूसरा अमेजोन का है। वन बाय वन ओपन कर लेते हैं। देखिए ट्विटर ओपन हो गया। अब इसके बाद हम अमेजोन पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अमेजोन ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम अपना टाइम काफी सेव कर सकते हैं।